इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर प्रदेशवासियों से अनुरोध करता है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की हिदायतों का पालन करें। घुमारवी उपमंडल में देहरा गांव के शहीद संजीव कुमार के परिजनों को एनएसजी ने बुधवार को 11,20,000 रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान एनएसजी कैप्टन गंधर्व तिवारी व उनके सहयोगियों ने शहीद की पत्नी सुजाता, बेटे तनिष्क व माता कमला देवी और पिता ज्ञानचंद का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश के लिए संजीव कुमार का बलिदान हमेशा याद रहेगा। उनके साथ कर्नल पी एस अत्री भी मौजूद रहे। एक मॉनेटरी बेनिफिट टोकन देने के लिए आया हूँ और हमारी यूनिट ने पूरे फंड्स इकट्ठा करके साफ के लिए वो कराए एंड ये बस एक जो लॉस हुआ है उसको तो हम बदल नहीं सकते, बस एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो हमने पूरा इकट्ठा करके देने के लिए हम आए हैं। हम मानेसर से आए हैं और कल हमारी वो मैं आज यहाँ इनके घर में संजीव ठाकुर जी जो कि जेएनके में शहादत प्राप्त किया था उन्होंने, इनके घर में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे कल ही पता चला था कि एनएसजी के एक अफसर जो हैं वो यहाँ पर उनको कुछ पैसा दे अमाउंट देने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं। जब मैंने पूरा इनसे पता किया तो संजीव ठाकुर सुबेदार संजीव ठाकुर जो थे वो 2018 में जो थे वो एनएसजी में कार्यरत थे। जब 19 में ये पोस्टिंग चले गए फोरपैरा में तो ये फोरपैरा में इनको जो है वहाँ पर ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये जो आपने पहले भी सुना है कि वहाँ पर मिलिटेंट जो थे वो नीचे किसी उसमें गहरी जगह बैठे हुए थे और ऊपर से जैसे ही इन्होंने बर्फ के ऊपर पैर रखे इनका भूसंकलन जो हुआ वो नीचे जस्ट उन्हीं के सामने ही लैंड हो गए और वहाँ पर इनके पास कोई टाइम नहीं था कि कैसे इस चीज़ को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो एकदम से इन्होंने जो है वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई जो कि हमें फौज में शुरू में सिखाया जाता है उस क्लोज क्वार्टर बैटल बोलते हैं उसको CQB, तो क्लोज क्वार्टर बैटल के थ्रू जो है इन्होंने गुत्थम गुत्था करके उन जो मिलिटेंटों को मौत के घाट उतार दिया। इनको भारी इनके ऊपर जो है वो फायर किया गया था, ये गोली लगने के बावजूद भी इन्होंने जो है उनको उनके उनको मार के जो है शहादत हासिल की है और हमें गर्व है। और मैं आज इस दिन जो है एक एनएसजी को बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरी 37 साल की सर्विस में ये पहला मौका है जबकि किसी यूनिट से पोस्टिंग जाने के बाद एक किसी आदमी को उस यूनिट ने मरने के बाद शहादत प्राप्त करने के बाद याद किया हो और उसको इतना बड़ा भारी अमाउंट 16 लाख की जो रकम है वो उनकी फैमिली को दी हो। तो ये मैं एनएसजी को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ और एनएसजी के साथ मेरी एफिलिएशन ये है कि मैंने जब कमीशन हासिल किया था तो मैं एनएसजी में ही पुलिस ट्रेनिंग ग्रुप में कार्यरत था, वहीं से मैंने अफसर बना था। तो ये बड़े गर्व की बात है और इस गर्व की बात को मैं सभी लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि पुरानी यूनिट के भी हमारे फौजियों के साथ पुरानी यूनिट के भी बहुत अच्छे ताल्लुक होते हैं। मैं इनके परिवार को इनकी खुशहाली के लिए और ख़ासतौर इस महामारी के टाइम पर इनको अच्छी जो इनके कुशल क्षेम हृदय के लिए स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए घुमारवी से अजय शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर पिछले 10 वर्षों से युवाओं का भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार कर रही है। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी में करीब 150 से अधिक युवक व युवतियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट के साथ ही लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल क्वालिफाइड शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अकादमी में हॉस्टल व खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। IRDP से संबंधित बच्चों को 20 से 30% फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा।